हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो है इस वर्लपूल 360 वॉशिंग मशीन पे। और कई फ्रेंड्स लोगों ने हमें कमेंट किया है कि उन्हें पीसीबी का एक कैप खोलना आता नहीं, जो पीसीबी का पैनल होता है ये किस तरह से खोलना है, क्योंकि इसमें लॉक रहते हैं। तो हम बताएंगे लॉक्स कैसे ओपन करना है और पीसीबी कैसे बाहर निकालना है। तो वीडियो के साथ में बने रहिए। तो फर्स्ट हमें ये पैनल निकालना पड़ेगा, टोटल एक कवर बॉडी से अलग करना पड़ेगा इसका, टोटल जो ऊपर का ग्लास डोर के साथ में है। तो इसमें टोटल 6 स्क्रू होते हैं, एक्चुअली 4 ये होल्ड करके रखते हैं और 2 इसमें होते हैं, ये पैनल जो है पीसीबी का। तो सामने देख सकते हैं 2 स्क्रू हैं, इसमें कैप लगे हुए हैं और 2 इसके पीछे रहेंगे बॉडी पे, इधर और इधर। और ये पीसीबी का पैनल पे भी 2 होते हैं। तो इसे हम निकालते हैं, तो पहले कैप निकालते हैं, इसको ऊपर उठा देते हैं डोर को। तो कोई एक शार्प स्क्रू ड्राइवर की मदद से एक कैप को होल बनाता है, उसको निकाल देना है। देख सकते हैं स्क्रू दिख रहा है। ठीक है, सामने के 2 स्क्रू निकल गए हैं। अब पीछे जाएंगे, साथ साथ में ऊपर के भी निकाल देंगे। तो अब ये प्लास्टिक पैनल है, ये बॉडी से अलग हो चुका है, देख सकते हैं जैसा आप। ये जो पीसीबी का पैनल है इतना निकल गया है, अभी ये जाम है, इसके सामने तरह इसमें लॉक होते हैं। तो इसे कैसे निकालना है बताएंगे। कई लोग ये खींच खींच कर तोड़ देते हैं, उन्हें समझ में आता नहीं कहाँ से खोलना है, ज़बरदस्ती से ऊपर खींच देते हैं और अंदर किसके लॉक्स निकल जाते हैं। तो सामने की तरफ चलते हैं, किस तरह ये लॉक्स निकालना है। हाँ, ये उठाते हैं, अभी इस तरह से उठाना है। थोड़ा इसमें केबल्स और पाइप्स लगे रहते हैं, ये ज़्यादा पीछे नहीं जाएगा। तो इसमें आपको बताते हैं लॉक्स होते हैं। तो देख सकते हैं इसमें, इसके अंदर एक लॉक्स होते हैं, उसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से दबाना पड़ता है। ये 2 होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। इसके अंदर देख लीजिए, शायद दिख रहा नहीं। ठीक है, अब दिख गया है, लॉक टाइप्स होते हैं, देख लीजिए कहाँ पे है। तो दोनों को रिलीज़ करेंगे, पहले इधर का रिलीज़ करेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। पीछे थोड़ा मदरबोर्ड भी खींचना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल होता है पर आईडी से करना पड़ेगा। सर, एक लॉक खुल गया है, ठीक है, दूसरी तरह से। ठीक है, लॉक्स खुल गए हैं। तो लॉक्स खुल गए हैं, बस इसी तरह से आसानी से इसको उठा देना है। देख सकते हैं ये लॉक्स यहाँ पे फंसे हुए रहते हैं, ये देख सकते हैं इस तरह से। बाद में आप स्क्रू निकाल के आप मदरबोर्ड जो भी है रिप्लेस करना है, रिपेयर कराना है, कर सकते हैं। और फिटिंग करना भी आसान है, फिटिंग में कोई टेंशन नहीं रहेगी, सिर्फ आपको इसी तरह रख के बस प्रेस कर देना है और इसके जो स्क्रू से लगा देना है बस। तो देखा होगा फ्रेंड हमने आज किस तरह से इस पीसीबी का कवर पैनल जो है किस तरह से लॉक से निकालना है वो बताया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।